हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको M6 5G फ़ोन है, तो पोको M6 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को इस ऑप्शंस के जरिए सेट कैसे कर सकते हैं पोको फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं पोको फ़ोन में और कैसे आप क्लॉक टाइमिंग को सेट कर पाएंगे पोको फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं पोको M6 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हो, लिमिट को कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जाना आपको एडिशनल सेटिंग्स पे, फिर आपको डेट एंड टाइमिंग सेटिंग्स पे चले जाना है। इस पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं। इस पे टैप करते हैं, जो भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप देखते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं या फिर इसको ओपन करते हैं और इस पर जाकर जो भी टाइमिंग आप सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और इसका यूज़ भी आप कर पाएंगे। यहाँ से जो भी टाइमिंग को आपको सेट करना है कर सकते हैं और ओके करते ही टाइमिंग आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। इसके जरिए सेट कर सकते हैं एंड आप टाइमिंग को ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। आप ऑफ़ करते हैं तो ऑफ भी आप कर पाएंगे, जिससे टाइमिंग आपके फ़ोन में सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं पोको M6 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।